नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश में महंगाई को लेकर घमासान मचा हुआ है, चाहे खाद्य पदार्थ हो या फिर ईंधन, इन सबके दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि आम जनमानस अपने जीवन में अस्त व्यस्त महसूस खुद को कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि महंगाई देश में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि जनता को इतनी सहूलियतें दी गई हैं, इतनी आमदनी बढ़ गई है, तो महंगाई तो बढ़ना लाजमी है। तो क्या महंगाई बढ़ी हुई है या सिर्फ महंगाई के नाम पर विपक्ष जो है वो हल्ला मचा रहा है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सरकार का कहना है कि देश में महंगाई नहीं है, जिस तरह से इस दौरान संसद में कार्रवाई चल रही है और उसमें जनता के मुद्दे में से सबसे अहम मुद्दा महंगाई को लेकर के चर्चा और विचार विमर्श हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार के जिम्मेदार नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से ये बयान आ रहा है कि देश में महंगाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, या फिर भाजपा शासित प्रदेशों में महंगाई नहीं है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से लगातार महंगाई पर काबू पाने के लिए हर साल अलग अलग तरीके के जतन किए गए हैं और सरकार ने उस पर काबू भी पाया है। बताया ये जा रहा है कि हर साल करीब 7.5% जो महंगाई है वो बढ़ रही है, लेकिन महंगाई का ये रूप बहुत विकराल नहीं है जो कि 7.5% का है। लेकिन अगर इसे हम दूसरे नज़रिए से देखें तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर कहीं ना कहीं 15% हर साल महंगाई का जो वृद्धि है वो हो रही है, जो कि हमारे और आपके लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। सरकार इसे चिंता क्यों नहीं मान रही है ये भी जानना समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो देश में महंगाई एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसका एक छोटा सा आंकड़ा ये है कि 2019 में जब हम और आप सिलेंडर लेते थे अगस्त के महीने में तो उसका दाम करीब 574 रुपये हुआ करता था, जो कि अब अगर हम अपने घर पर सिलेंडर मंगवाते हैं तो उसका दाम करीब 1100 रुपये हो गया है। इसी तरह से सरसों का तेल जो उस वक्त हम 90 रुपये में लेते थे लीटर, अब वो 180 रुपया लीटर हो गया है, उससे भी ज़्यादा हो रहा है अगर आप किसी अच्छे ब्रांड अच्छी कंपनी का ले रहे हैं। इसी के साथ आटा, दाल, चावल, सब्जी, दूध, ब्रेड, हर चीज़ पर जो दामों की वृद्धि है वो लगातार होती जा रही है। ये महंगाई 2-3 लोगों के लिए ज़्यादा समस्याओं भरी नहीं है। वो 3 लोगों में सबसे अहम वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा धन है, जिनको किसी भी बढ़ते हुए दाम से कोई समस्या नहीं है, वो आसानी से उसका दाम जो है वो चुका सकते हैं। दूसरे वो लोग जिन्होंने अपने संसाधनों को सीमित कर लिया है और वो जान रहे हैं कि पहले जो चीज़ हम 1000 रुपये में खरीदते थे और 1000 रुपये में जो चीज़ हमें मिल जाती थी आज के समय में वो 3000 में मिल रही है, तो क्यों ना हम उसी 3000 वाली चीज़ के कुछ छोटे अंश को, कम अंश को 1000 रुपये में ही खरीद करके अपना निर्वाहन कर सकें। और तीसरे वो लोग जो मजदूर वर्ग के हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जिनको रोज़ 1 किलो आटा, थोड़ा सा तेल, सब्जी में आलू खरीदना है, उनको भी महंगाई से बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। ये वो 3 तरह के लोग हैं जो महंगाई से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त नहीं है। लेकिन महंगाई से सबसे ज़्यादा त्रस्त कौन है? त्रस्त है मिडिल क्लास, नौकरी पेशा लोग, छोटे व्यापारी, जिनकी जो इनकम है वो फिक्स्ड है, जिन्हें अपने बच्चों की फ़ीस देनी है जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्हें अपने घर परिवार के सदस्यों का इलाज करवाना है। सरकारी अस्पताल में चले गए तो ठीक है, इलाज हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि GST भी वहाँ पर आपको चुकाना पड़ेगा। उनको सबसे ज़्यादा महंगाई से समस्या हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं देश का अधिकांश हिस्सा आता है, हम और आप भी आते हैं। आज हम जब 500 रुपये लेकर के सब्जी मंडियों में निकल रहे हैं तो पहले के मुकाबले जो हम पैसा बचा करके घर लेकर चले जाते थे और सब्जी का झोला भी भर जाता था, आज के समय में बिल्कुल उल्टा हो गया है। सब्जी का झोला आधी रह जाता है लेकिन हमारी जेब का पैसा जो है वो ज़्यादा लग जाता है, 500 रुपये से ज़्यादा, और हम सब्जी जो है वो आधे झोले ही खरीद पाते हैं। इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो दूध की बात कर ली जाए या मिल्क प्रोडक्ट्स की बात कर ली जाए, उस पर भी बीते दिनों जिस तरह से GST लगाई गई है या बढ़ाई गई है, तो ये भी अपने में एक सवाल है। और इन सारे सवालों से जो आम जनमानस है, आम व्यक्ति है, उसका जो जीवन है वो जूझ रहा है।
इस महंगाई को लेकर के सदन में लगातार चर्चा हो रही है, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देश में महंगाई एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरह से जो संसाधन बढ़े हैं, जिस तरह से जो लोगों की आमदनी बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा सहूलियतें मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है महंगाई भी बढ़ेगी। क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो फिर विपक्ष क्यों हल्ला मचा रहा है? और अगर सही है तो हम और आप महंगाई को लेकर के क्यों परेशान हैं? ये भी जानना समझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक वर्ग और है जिसे महंगाई से ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। वो वर्ग दो खेमों में बटा हुआ है, वो सरकार के खेमे वाला है और दूसरा है विपक्ष के खेमे वाला। विपक्ष के खेमे वाले व्यक्ति को महंगाई बहुत ज़्यादा लग रही है, वो बहुत परेशान है, बहुत वंचित है, और सरकार के खेमे वाले व्यक्ति को महंगाई अगर लग भी रही है तो भी वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, हम इस महंगाई में भी रह लेंगे, हमें एक अच्छी सरकार चाहिए जो इस वक्त देश प्रदेश में काम कर रही है। तो ये भी एक वर्ग है देश प्रदेश में जो इस वक्त महंगाई को सराह रहा है, और वो कह रहा है कि देश के प्रदेश के विकास में अगर ये महंगाई के प्रति हमें अपना बलिदान देना भी पड़ेगा तो भी हम दे देंगे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये महंगाई की मार लगातार हम सब पर क्यों हो रही है, इस महंगाई पर काबू कैसे पाया जाएगा, कैसे लोग जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं उनका जीवन यापन सही तरीके से हो पाएगा, छोटे व्यापारी अपना काम धंधा सही तरीके से चल पाएंगे, दुकान सही से चला पाएंगे, ये महंगाई कब रुकेगी, बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस चर्चा को शुरू करता हूँ। क्या यह महंगाई पहली बार भारत में आई है? क्या भारत के भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा राज्यों के बीच में महंगाई एक सी है? क्या भारत का विकास इससे प्रभावित हुआ है? और महंगाई को लेकर ये तथाकथित नेता ज़्यादा समझदार हैं या इस देश की जनता ज़्यादा समझदार है? सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके चार साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करें। माताएं बहने कहती है गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। जो आम आदमी कहता है उसके पास सारी चीजों का समाधान है। मैं बताना चाहता हूं कि एक आम आदमी ने मुझे कहा कि आप सदन में जा रहे हैं चर्चा करेंगे, वहां ये समाधान दे दीजिए ना। मैंने पूछा क्या समाधान है, उसने कहा सरल है, ऐसी व्यवस्था बना दो, 5 साल तो सरकार रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हर 2-3 महीने में कहीं चुनाव करा दो और आप देखोगे सरकार डीजल पेट्रोल बिजली कोई भी भाव बढ़ने नहीं देगी। लगातार जो महंगाई की मार है वो आम जनमानस को परेशान कर रही है, उसे दिक्कतों में डाल रही है। मेहमान धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुछ और मेहमान आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप लोगों का कोई प्रदर्शन भी होने वाला है महंगाई को लेकर के, लेकिन सरकार कह रही है कि महंगाई नहीं है। अभी आपने राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान भी सुना, सांसद हैं वो कह रहे हैं बीजेपी शासित प्रदेशों में महंगाई नहीं है। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए नितिन जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उनको महंगाई नहीं दिख रही है इस देश में, उसका कारण है सबसे बड़ा कि वो जिन मित्रों के बगल में बैठते हैं, जिन मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं देश में, तो उनकी जेबों में पैसा भरने के लिए कैसे इस देश की जो एक गरीब जनता है, जो अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण डेली दिहाड़ी मजदूरी करके करते हैं, उनको उनकी जेब से पैसा निकाल करके अपने मित्रों की जेब में डालना है, तो वो क्या करते हैं, वो स्वप्न दिखाते रहते हैं, स्वप्न दिखाते हैं कि हाँ महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं। मगर जब आप उतरेंगे धरातल पे तो आपको, अभी आपने डेटा दिया पूरा कि कैसे, अब मैं आपको पिछले एक साल का बता दूं, 2014 की अगर बात करेंगे, जब मोदी जी आए थे उसके पहले जो गैस सिलेंडर 410 रुपये में मिलता था, आज आपने उसको 1,053 रुपये करने का काम किया है। आपने आंकड़ा दिया है संसद में कि 100 1 करोड़ से ज़्यादा,
एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना गैस सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपने सिलेंडर तो देने का काम किया, मगर क्या किया, दूसरी तरफ से उस गैस का दाम इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वही माताएं बहनें जिन्होंने आपको वोट दिया था कि उज्ज्वला सिलेंडर आपने दिया है तो चलिए आपको वोट दे देते हैं, मगर होता क्या है, आप एक तरफ तो उज्ज्वला सिलेंडर देते हैं, दूसरी तरफ गैस का दाम इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि फिर से उनको उसी चूल्हे पे रोटी सेकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आपने हर एक क्षेत्र में महंगाई बढ़ाई है। आप क्या करते हैं जब आदमी क्वेश्चन करता है, प्रश्न उठाता है, तो आप क्या करते हैं, संसद से उसकी सदस्यता रद्द करने का काम करते हैं। आपसे कोई सवाल नहीं करना चाहिए, आपको पसंद ही नहीं आता है कि आप इस देश की जनता के सवालों को सुन लेकिन चुके। ये किस प्रदेश के आंकड़े दे रहे हैं जहां बता रहे हैं कि बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां पर महंगाई पर काफी हद तक काबू पाया गया है? देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के तो आपको पहले से ही पता होगा कि किस तरीके से आपने क्या किया कि एक पूरे एक समूह को जीएसटी के दायरे में लाए। भाई, पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं उनको आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेकर के आए? आपको लाना चाहिए था उनको भी जीएसटी के दायरे में। आपने क्या किया कि आपके मित्रों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पेट्रोलियम की कंपनियां चढ़ा रहे हैं, आप कोई उसका सरोकार ही नहीं है। कच्चे तेल के दाम देखेंगे और उसके एवज में अगर आप देखेंगे कि क्या मार्केट में क्या रेट मिल रहा है तो उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं नजर आता है आपको। जब मन होता है तो वो कंपनियां अपने हिसाब से बढ़ा देती हैं। सरकार को उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि कच्चे तेल के अकॉर्डिंग ही आप अगर दाम बढ़ाएं, मगर उसका सीधा सरोकार कुछ भी नजर नहीं आएगा। जब मन होता है तब वो बढ़ाते हैं। पूरे आप 2014 से लेकर के 2022 तक की अगर आप देखेंगे तो देखेंगे सिर्फ वो पैसा जो गरीब का पैसा है वो सिर्फ कुछ मित्रों की, कुछ बड़े बड़े उद्योगपति जो मित्रों की श्रेणी में आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, उनकी जेबों में जा रहा। आपने भाषण सुने होंगे बड़े, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही जो उस हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री कहा करते थे कि महंगाई का माँ भी प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पा रहे हैं। आज क्या हुआ, सांप सूंघ गया का महंगाई का माँ बोलने में? न भारतीय जनता पार्टी का नेता न कोई प्रवक्ता बोलने को तैयार है कि इस देश में कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। आप बोलते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिर जा रही है। आज उस देश की साख को गिराने का काम कौन कर रहा है, ये पूछना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, आप क्या करते हैं? आज से ही आपने देखा होगा, कल हमने कहा कि हम प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का आवास का घेराव करेंगे, तो आपने क्या किया, हजारों की तादाद में पुलिस बल आपने बैठा दिया कांग्रेस कार्यालय के बाहर में। हमारे यूपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर भी आपने पुलिस बल बैठा रखा है कि हम इस प्रदेश की जनता और इस देश की जनता की आवाज को सड़कों पे लेकर के ना जा सके, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। हम इस प्रदेश की जनता और देश की जनता की जो आवाज है उसको सड़कों पे लेकर के जरूर आएंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। इमरान लतीफ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। इमरान भाई, बहुत स्वागत है आपका। आवाज मिल रही है आपको मेरी? इमरान भाई, ये सरकार लगातार कह रही है कि देश में महंगाई नहीं है, महंगाई कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लोगों को इतना कुछ दे दिया जा रहा है कि महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है, आमदनी बढ़ गई है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, उसके बाद आप लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं? देखिए नितिन जी, किस आधार पे ये लोग बात कर रहे हैं, उनके बात करने का आधार आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और जहां तक महंगाई की बात कर ले, महंगाई आज अपने चरम पर है तो क्यों है? इसका सीधा सा मामला यह है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो पूंजीपतियों की गुलामी कर रही है, पूंजीपतियों की गुलाम बनकर काम कर रही है। और जो आप देखें, चाहे डीएचएफएल की बात कर लें, 42,000 करोड़ रुपए जो है डीएचएफएल ने बैंकों से कर्ज लिया और उसके बाद वो उसको वापस नहीं कर पाए और 29 करोड़ रुपए जो है वो भाजपा को चंदा मिल गया। इस तरीके से देखा जाए तो 11 लाख करोड़ रुपए जो है वो बैंकों का ऐसे पूंजीपति मित्र जो मोदी जी के हैं, जो बेईमान हैं, उन्होंने कर्ज लिया और फिर वापस नहीं किया, आज उसकी भरपाई जनता से की जा रही है। ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, जो जो छाछ 10 रुपए की मिलती थी वो अब 16 रुपए की मिल रही है, दूध पर इन्होंने टैक्स लगा दिए, इन्होंने बच्चों के पेंसिल पर, किताब पर, इरेजर पर, जो शिक्षा की जितनी सामग्रियां होती हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उस पर तक टैक्स बढ़ा दिए हैं। और ये कह रहे हैं कि महंगाई कहीं पर नहीं है। खाने पीने की चीजों के दाम आज सातवें आसमान पर है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि कल तक शहरों में महंगाई ज्यादा होती थी, गाँव में जीवन जीना आसान था, आज गाँवों में महंगाई ज्यादा है, शहरों की तुलना में गाँव में भी, गाँव में उससे ज्यादा महंगाई हो गई है।
तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से ये बैंकों का जो 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 उद्योगपतियों ने जो बैंकों का पैसा मार के रखा, खा के बैठ गए, आज उसकी भरपाई ये आम जनमानस से कर रहे हैं, तरह तरह से महंगाई को बढ़ाकर, टैक्सेस को बढ़ाकर, उस जनता के जेब पर बोझ डाला जा रहा है, जनता की जेब पर दबाव डाला जा रहा है और जनता की जेब पे डाका डालने का काम सरकार कर रही है। और बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग बोल रहे हैं कि महंगाई कहीं पर नहीं। ठीक है सर, मैं आता हूँ। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से। शाही साहब, आपने दोनों ही नेता प्रवक्ता को सुना है, साफ तौर पर महंगाई को लेकर के दोनों ही नाराज हैं और अपना अपना मत रख रहे हैं। आपका क्या मत है, क्योंकि आपके नेताओं की तरफ से तो बयान आ गया है कि बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर महंगाई को अच्छे से कंट्रोल किया जा रहा है, लोगों की सुविधाएं बढ़ गई हैं, आमदनी बढ़ गई है, तो महंगाई भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसके बावजूद इन लोगों की समस्या जो है वो कम नहीं हो रही है, बयान दे रहे हैं। नितिन जी, देखिए, एक डिबेट आपने रखा था 18 तारीख को जी, मुझे जहां तक याद है, इसी महंगाई पर जी, और उसमें मैंने कुछ आंकड़े पेश किए थे। तो हमारे लग रहा हमारे जो सहयोगी पैनलिस्ट है वो उस दिन नहीं थे, तो इनके लिए भी एक आंकड़ा मैं दे देना चाहता हूँ जी। क्योंकि ये लोग अभी आम आदमी पार्टी के अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि केजरीवाल जी से बड़ा झूठ बोलने वाला इस धरती पर पैदा हुआ हो, जिसको गिरगिट की संज्ञा लोगों ने दी है, तो ये लोग कहने के काबिल वो नहीं है। ये लोग कहीं सरकार में रहे नहीं, कांग्रेस के हमारे भाई पहले जो बोल रहे थे, ये उनके लिए भी मैं बता दूं, खुदरा महंगाई दर 2014 में 8.33% थी जी, 2019 में हम लोग 2.57 तक ले आए थे, अचानक कोरोना आ जाता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है, लेकिन इसके पहले कोई ना कोरोना था ना कोई युद्ध था। 2012 में इनकी सरकार थी यूपीए की, 12%, और 91 में अगर पीछे चले जाए तो 13.5% तो अभी तक का सर्वाधिक है ये महंगाई दर हुआ करती थी, और आज के लिए भाषण देते हैं। आज की महंगाई दर आपने ही बताया 7 से 7.5% है, 6% आरबीआई मानता है, 1.5% ऊपर है। लेकिन जो विश्व में वैश्विक इस समय मंदी चल रही है, हिंदुस्तान तो उससे अभी बहुत अछूता है, हिंदुस्तान में उसका कोई प्रभाव नहीं है। मैं एक देश से कर रहा हूं, बाकी की बात छोड़ रहा हूं, यूरोप में तो बहुत भयानक महंगाई और मंदी इस समय चल रही है, लेकिन मैं एक अमेरिका जैसे डॉलर की तुलना की जाती है तो मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। अमेरिका में सैलरी का जो बढ़ने का परसेंटेज है वो 4.5% है, और इंडिया का आज का 9% है, जो अभी वैश्विक महामारी जो ये 19 में चल रही थी तो 7% थी इंडिया में, इंडिया में बढ़ने का। और अनुमान है कि इस बार 2022 के बाद 2022 खत्म होते होते 12% बढ़ जाएगा सैलरी बढ़ने का अनुमान है। ये हम निकालते नहीं है, SBI इको रैप रिपोर्ट एक आई है, इसको कोई भी देख सकता है, उसमें महंगाई 5% तक जाने का अनुमान है 2023 तक। भारत में जो सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें 5% तक महंगाई जाने का कार्यक्रम है। अब मैं आता हूं टैक्सेशन की बात, इन लोगों ने जी, तो जब टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, GST और नहीं था तो वैट था। मेरे सामने अभी दिल्ली का, मैंने आम आदमी पार्टी के भाई बोल रहे थे तो मैंने खोल लिया था ये मदर डेयरी पर जी, वहां पैक दिल्ली में ही बिकता है, 15 से इनकी सरकार आई है 15-16 में, उसमें वैट 6% तक दही पर लगता था, वो क्या टैक्स भूल गए वो? आज अगर वो वैट खत्म किया गया, जीएसटी के दायरे में आ गया, तो इन लोगों को बड़ा दिखाई देने लगा कि नहीं जीएसटी लगा दिया गया, महंगा हो गया। भाई मेरे, आप खुला दूध खरीदो, खुला दही खरीदो, खुला आटा खरीदो, खुला चावल खरीदो, कहीं नहीं है जीएसटी। आप पैकेट खरीदेंगे, जाते हैं मॉल में खरीदें, मॉल में जाएंगे 10,000-25,000 की खरीदारी करेंगे और टेलीविजन पर बैठ के कहेंगे गरीबी है। संजय सिंह भाषण देते हैं वहां जाकर कि नौकरी मांगो तो ये नहीं मिलता है। अभी मैं सुन रहा था एक RTI आई है जी, पूरे 2021 में 400 लोगों को नौकरी पूरे उसमें दी गई है, क्या कहते हैं दिल्ली में, ये RTI से खुलासा हुआ। और 2020 में 26 लोगों को नौकरी दी गई। ठीक है, क्यों मास्टर इनकी हड़ताल पर है? ठीक है,
क्यों सर, क्यों ये बिजली फ्री देने के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगते हैं? मैं जवाब ले लूं जरा, भ्रमित करते हैं देश। ठीक, मैं जवाब लूं। इमरान भाई, बहुत ब्रीफ करके शाही साहब ने समझाया है आपको, हम लोगों को, कोशिश बहुत अच्छी थी उनकी, क्या कहना है आपको? देखिए, दरअसल आंकड़ों का जो खेल है, आंकड़ेबाजी करने का जो खेल है, इस मामले में तो आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन जमीन की अगर बात करेंगे, अगर आप जमीन की बात करेंगे तो वहां पर स्थिति बिल्कुल दूसरी है। सीमेंट के दाम आप उठाकर देख लीजिए, जो कुछ आपका ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ इमरान भाई बोलिए, आवाज आ रही है हमारी? हाँ बोलिए बोलिए इमरान भाई बोलिए। आप डीजल के दाम देख लें, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम देख लें, किस तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है पिछले 8 साल के अंदर। आप आंकड़े की बात करें तो एक आंकड़ा हम भी पेश कर रहे हैं, तो पिछले 8 साल के अंदर केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी कमाई है, आरटीआई बताती है कि 16 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। आप बताएं कि सरकार अपना खजाना भरती ही जा रही है और हर तरफ से आप भरने का काम कर रहे हैं, निचोड़ किसको रहे हैं? ये दो बार आवाज आ रही है, आपका ऑडियो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है इमरान भाई, मैं आऊंगा आपके पास। आपका ऑडियो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है इमरान भाई, काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो 30% हुआ करता था उसको आपने 22% कर दिया। आपने अब उसकी भरपाई आप कहां से करेंगे? वो भी भरपाई आप जनता से करेंगे, महंगाई को बढ़ाएंगे, टैक्सेस को बढ़ाएंगे और जनता से उसकी भरपाई करके आप उस खजाने की भी भरपाई कर लेंगे। आप देखिए 11 लाख करोड़ रुपए जो है वो बैंकों का इनके पूंजीपति मित्र मारकर बैठ गए, खाकर बैठ गए, उसकी भी भरपाई कहां से हो रही? वो भी भरपाई नहीं, यही दूध के दाम बढ़ाकर और दही के दाम बढ़ाकर और बच्चों का दिल्ली में आप लोगों ने भी बढ़ाया, उसके बारे में नहीं बताते आप लोग। क्या हुआ? शाही साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में आप लोगों ने भी दाम बढ़ाए हैं, वैट लगाया, 6-6%। दिल्ली का मुकाबला ये कहाँ कर पाएंगे भाई? क्योंकि दिल्ली का मुकाबला ये कहाँ कर पाएंगे? पूरे देश में इतनी जगह पे सरकार चला रहे हैं, 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे पा रहे हैं, 1 महिला को बस यात्रा फ्री नहीं दे पा रहे हैं, ये हमसे मुकाबला कहाँ करने की हैसियत में है? ये कहाँ कर पाएंगे? ये तो पानी के पैसे वसूल रहे हैं, ये तो बिजली के सबसे ज्यादा दाम वसूलने का काम करते हैं, ये हमारा मुकाबला कहाँ कर पाएंगे? ये इन्होंने तो चमड़ी निकोलने का काम किया है आम जनमानस के। आज महंगाई की मार झेल रहा है, पूरा देश महंगाई की मार झेल, और रोजगार देने की बात कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। अश्विनी भाई हमारे बड़े भाई उत्तर प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश में ना तो एक भर्ती हो पा रही है, ना एक परीक्षा हो पा रही है, ना सही ढंग से अगर एक भर्ती इन्होंने पूरी करी हो तो बता दें। थोड़ी बहुत नौकरियां दे रहे हैं उसमें भी ये जो है भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर इनके पास जो है शब्दों के जाल अच्छे हैं। अरे जब, ये शब्दों के जाल में जनता को उठाना चाहते हैं, इनके पास काम उन्होंने कुछ नहीं किया है। और आंकड़े इमरान भाई सुनिए, शाही साहब क्या कह रहे हैं? इमरान भाई कर रहे हैं जनता, इमरान भाई शाही साहब क्या कह रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी कर रहा है अब तक, शाही साहब क्या कह रहे हैं? इमरान जी जरा दो आपका मैं जवाब दे लूं। देखिए यहाँ कोरोना था, इसमें भी भर्ती नहीं रुकी। अरे ये क्या कहते हैं, अभी चुनाव था नितिन जी, आप हमेशा रिपोर्टिंग करते हैं और हर जगह जाते हैं, अभी चुनाव के बीच में भी भर्ती चालू थी, आपको पूरी जानकारी है। कहा है दिल्ली में भर्ती हो रही भाई, हम कह रहे हैं 400 आरटीआई भी बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आता हूं मैं बिजली पर, मैंने अभी बोला है लेकिन हमको लग रहा है इमरान भाई सुन नहीं पाए हैं। बिजली में ये बिजली फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट 150 यूनिट जो भी दे रहा है फ्री, लेकिन 8,000 करोड़ केंद्र सरकार से सब्सिडी क्यों मांग रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज पर मैं आता हूं, इमरान जी की सरकार वहां है, इनकी पर कैपिटा इनकम ये दिखाते हैं दिल्ली वासियों को, 4 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है। तो अगर 4 लाख पर कैपिटा इनकम है तो जब समृद्ध दिल्ली है तो आपको फ्री बिजली देने की जरूरत क्या है, फ्री पानी देने की जरूरत क्या है कि जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगते हैं उसके? ठीक है, सब जवाब दे रहे हैं इमरान लतीफ। हां इमरान जी, सेंट्रल से जो पैसा, ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल से जो पैसा देंगे अपनी जेब से देंगे, पहली बात। क्यों और देंगे राज्यों को भाई, सेंट्रल क्यों देगा? मंत्री फ्री आप फायदे में है तो सेंट्रल क्यों देगा? इतना अच्छा बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, गलत बात मत कीजिए आप लोग, मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं भी सुन रहा हूँ। कहाँ कर पाएंगे भाई आप, कहाँ कर पाएंगे? आपकी सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं, हम सब कुछ फ्री में बांट रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार जो है मुनाफे में चल रही, मुनाफे तो का बजट पेश करती है, इतना कर दिया आपकी सीएजी बात कह रही है। अरे आप काम का, मैं कह रहा हूँ यही बात कह रहा हूँ कि झूठ बोलने के मामले में अगर कोई प्रतियोगिता हो तो आप जीतेंगे। नितिन जी मैं इन्हीं से कह रहा हूँ, फायदे में झूठी पार्टी कह रहे हैं,
आज पूरा पूरा पूरी दुनिया देख रही है कि दिल्ली के अंदर 79% लोगों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है, पंजाब में भी पहला बिजली का बिल जीरो आना शुरू हो गया है, अब गुजरात की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, गुजरात में सरकार बनाएंगे वहां पे बिजली का बिल जीरो आएगा। जी आए थे ना यही बेचैनी, मंत्री बनते ही चले आए दिल्ली, कटोरा लेके 2,00,000 करोड़ दे दीजिए कर्जा है, क्यों आते हैं भाई? अरे दिल्ली फायदे में चल रही है तो नहीं मांगना चाहिए आपको, पता है आप पूंजीपतियों का पेट पहले भर लीजिए फिर दिल्ली को दीजिएगा भाई, पहले पूंजीपतियों का पेट भर लीजिए, बैंकों को आप बंद कर रहे हैं, बैंकों को दिवालिया कर दिया अपने बेईमान पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए, अरे आप पहले आप जो है पापी पेट भर लीजिए अपने बेईमान पूंजीपतियों का फिर दिल्ली को कुछ दीजिएगा। ठीक है प्लीज, ठीक है प्रदीप जी, शाही साहब ने काफी कुछ समझाया, समझ आया कुछ आपको? हाँ देखिए मैं वही चीज बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता आंकड़ों की बाजीगरी ऐसे करते हैं, ये लोग तो ऐसे हैं ना कि डेटा दे देते हैं कि एक रोड बनाते हैं और उसमें डिवाइडर डाल के दोनों तरफ की रोड की नपाई कर देते हैं और डेटा में कैसे छेड़छाड़ किया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता बखूबी जानते हैं। उस जो गरीब जनता है जो रूट पे काम करती है उसको ये बताइए ना आप, उसको ये डेटा देते करके क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं भाई? 2014 में जो 410 रुपए का सिलेंडर था आज वो 1053 रुपए का ले रहा है, उस पे 643 रुपए आपने बढ़ा दिए और आप बता रहे हैं कि महंगाई दर कम हो गई। भाई आप जो जनता है उसको ये महंगाई दर और इन सब चीजों से मतलब नहीं होता है, उसको मतलब होता है कि हमने अगर 410 रुपए का सिलेंडर ले रहे थे तो आज हम उसको 1053 में क्यों लें भाई? हम अगर पेट्रोल 60 रुपए में बढ़ा रहे थे जब कच्चे तेल का दाम कम था, आज कच्चे तेल का दाम जो है उससे और नीचे आ गया, फिर भी आप उसको 100 रुपए के पास में लेकर के क्यों गए हैं? आप ये बताइए ना, आपको और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि एक छह साल की बच्ची अगर आपको पत्र लिखती है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखती है कि महंगाई बढ़ा दी, तो इससे शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि एक छह साल की बच्ची को मजबूर होना पड़ गया महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के लिए। आप क्या करते हैं, 11,00,000 करोड़ से ज्यादा जो आपके व्यापारी बंधु हैं, जो आपके मित्र की श्रेणी में आते हैं, उनका बकाया माफ कर देते हैं। आपकी सरकार के रहते हुए क्या होता है, आपको मैं आंकड़ा दे दूं, नीरव मोदी व्यापारी मित्र 13,000 करोड़ लेकर के फरार हो गए, विजय माल्या व्यापारी मित्र 9,000 करोड़ से ज्यादा लेकर के फरार हो जाते हैं, ललित मोदी 125 करोड़ से ज्यादा लेकर के फरार हो जाते हैं, और भाई मेहुल भाई क्या करते हैं, 6,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान कर देते हैं इस देश की गरीब जनता का। आप इन सब की भरपाई टैक्स लगा करके, जैसे ना होता था जजिया कर, आपने कर लगा करके आपने मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया इस देश की जनता से खून चूसने के मामले में। आप बात कर रहे थे अभी कि यहाँ वहाँ पे अमेरिका में 4.5% की दर से जॉब क्रिएशन है, अभी यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, आपने ये आंकड़ा संसद में दिया, 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया और 7,00,000+ नौकरियां आपने प्रदान करी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, आप 2014 से लेकर के 2022 आ गया, 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरी में से 7 करोड़ दिए, 7,00,000 नौकरी प्रदान करी, 0.5% से भी कम हुआ डेटा। आप किस स्तर पे बात कर रहे हैं? शाही साहब कुछ कह रहे हैं, शाही साहब देखिए, एक तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी प्रवक्ता कोई भी एंकर कुछ बोले तो उसको जरा गंभीरता से सुने हमारे साथी। मैंने कोई नौकरी का डेटा नहीं दिया, 4.5% वेतन में बढ़ोतरी की मैंने बात की अमेरिका में, और इंडिया में 9% है, 12% की नौकरी नहीं देंगे तो वेतन सुना नहीं सुनिए भाई, भाई नौकरी देंगे तभी तो वेतन बढ़ाएंगे ना, जब नौकरी भी आप यहाँ यहाँ थोड़ा सुन लीजिए, मैंने धैर्य से सुना। दूसरी बात, इन्होंने बार बार ये लोग एक रट लगाते हैं नितिन भाई कि ये भाग गए नीरव मोदी, भाग गए वो, भाग गए इतना, ये भाग गए भाई, ये इनको लोन किसने दिया था नितिन जी, बड़ा यक्ष प्रश्न है, जो टेलीफोन पर लोन होता देना था, गुनाह होता है, लोन तो आप, लोन देना तो आपका अडानी को कैसे दे रहे लोन, 43,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है बैंकों का और लोन पे लोन दिए जा रहे हैं, बिल बुलाने लगे। हाँ शाही साहब पूरा कीजिए, थोड़ा सा इन जितने लोगों का नाम गिनाया उसका नितिन भाई आप अपने यहाँ से एक निकलवा लीजिए, अपनी टीम से बोलिए कि इन सारे विनम्र उद्यमियों को लोन किसने दिया, और उसमें आधे से ऊपर लोगों का टेलीफोन पर लोन हुआ था, पी चिदम्बरम जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। तीसरी बात मैं आता हूं, 2014 जनवरी में हमारी सरकार नहीं थी, 1241 रुपया मैं कई बार चिल्ला के हर चैनल पे कहता हूँ, आपके यहाँ भी कह चुका हूँ, गैस सिलेंडर ये लोग बेचते थे, 200 रुपए किलो दाल मैंने खरीदा है यूपीए की सरकार में, 42 से 43 रुपए किलो चीनी हमने खरीदा है 10 साल पहले,
तो ये क्यों कहते हैं महंगाई पे गाना बना, 60 के दशक में इनकी सरकार थी, हाय हाय रे महंगाई, दूसरा गाना बना कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, इन्हीं की सरकार में बना, और आज ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी महंगाई बढ़ा रही है। हमने आंकड़े दिए कि आपका 10% से नीचे नहीं हुआ और हमारा 7.5 से ऊपर नहीं हुआ, इसी में कोरोना भी आया, इसी में युद्ध भी चल रहा है। ठीक है शाह साहब, ठीक है, सब होने के बावजूद। ठीक है इमरान भाई, क्या कह रहे हैं, फिर आगे बोलो, मैं समझी के पास सुनूंगा। हाँ, अरे अश्विनी भाई चाहते हैं कि जो एक कागज पर जो इनके आंकड़े हैं, जनता उसी को खाए, उसी को पहने, उसी को ओढ़े, उसी से इलाज कराए, उसी से बच्चों को पढ़ाए, तो आंकड़ों से कोई सुविधा नहीं मिलती है भाई साहब। ना आंकड़ों से बच्चे पढ़ लेंगे, ना आंकड़ों से रोजगार मिल जाएगा, ना आंकड़ों से आटा दाल चावल मिल जाएगा, ना सरसों का तेल मिल जाएगा, ना डीजल पेट्रोल मिल जाएगा। आज आप उठाकर देखिए, सारी चीजों के दाम उठाकर देख लीजिए, सातवें आसमान पर हैं, और बड़ी बेशर्मी से आप सिर्फ आंकड़े खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आंकड़े पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आंकड़े दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशर्म तो कोई है ही नहीं, देश में तो बेशर्मी की बात क्यों कर रहे हैं भाई, आपका सिर्फ नेतृत्व बेशर्म है, बेशर्मी की बात आप लोग करते हैं, आप लोगों से बड़ा आम आदमी पार्टी के नेताओं से बड़ा बेशर्म कौन है? इस साल की पच्ची लिख तो रही, आपने पेंसिल तक महंगी कर दी, बेशर्म। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, आपने कम से कम कक्षा एक की बच्ची पत्र लिखती है, वो महंगाई के बारे में जान रही है, यानी कि हिंदुस्तान की शिक्षा में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो बहुत सुंदर है कि कक्षा छह एक पत्र का जवाब देना चाहिए, बच्ची को पेंसिल के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इतनी महंगाई बढ़ा दी आपने, 12% से बढ़ा करके 18% कर दिए, दे रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं आप, उस पे जवाब नहीं देंगे, उसको घुमा करके ट्विस्ट करके बता रहे हैं कि हाँ बच्ची को महंगाई समझ में आ रही, तो महंगाई समझ में किसके शासन काल में आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आ रही है। महंगाई समझा दिया आपने, 6 साल की बच्ची को महंगाई समझा दिया, ठीक है इमरान भाई, आपने ऐसी महंगाई बढ़ाई की 6 साल की बच्ची को भी महंगाई समझ में आ गई, ठीक है प्लीज। तो हम भी दे रहे 11 लाख करोड़ रुपए लेके जो बेईमान पूंजीपति मित्र हैं आप प्रधानमंत्री जी के, वो लेकर भागे, ठीक है इमरान भाई, ठीक मैं, अरे दिया किसने था भाई, आप 11 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, कष्ट तो आप लोगों को यही है, मैं आता हूँ, ठीक है शाही साहब, ठीक है इमरान भाई, प्लीज प्लीज मिसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। मिसम भाई, आप भी बीजेपी शासित प्रदेश में रहते हैं, वो दुकान कौन सी जहाँ से सामान वामान खरीदते हैं, क्योंकि बीजेपी शासित प्रदेशों में महंगाई कम है ऐसा सरकार कह रही है। धन्यवाद नितिन जी इसमें चर्चा का विषय बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, महंगाई हर आदमी इससे जूझ रहा है। शाही जी भी अपनी बात रख रहे हैं, आम आदमी के प्रवक्ता भी हैं यहाँ पर, और बाकी पार्टियों के प्रवक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैं शाही जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या वाकई महंगाई कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपने नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं है, तो हो सकता हो कि इनको पार्टी के खजाने से कुछ अलग से इनको भत्ता दिया जाता हो सरकारी, तो इनको मिल जाता होगा, मगर बाकी जो लोग हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, प्रदेश के लोगों के लिए, कि जो महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। चर्चा का विषय ये नहीं है नितिन जी के उसमें कांग्रेस में क्या प्रतिशत था, आज क्या प्रतिशत है, कल क्या रहेगा, चर्चा का विषय ये है कि अगर महंगाई है तो उसको कम होना चाहिए, इससे शाही जी सहमत हैं कि नहीं है, पहला सवाल मेरा उनसे ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जब आप सत्ता में आए थे तो इन्हीं गानों की दुहाई देकर के आप आए थे, जब महंगाई डायन खाए जाते, और आप ही आने के बाद अगर और वही गाना बनवाना चाह रहे हैं, तो फिर ये बता रहे हैं कि गाने किसकी किसकी सरकार में कब कब बने थे वो बता रहे थे शाही साहब। देखिए जाहिर सी बात है कि जब सिलेंडर जो था आपका 400 रुपए था, 300 रुपए था, तब इतने बड़े बड़े गाने बन गए। अब तो गाने बनाने वालों को जेल में डाल देंगे अगर किसी ने गाना बना दिया। छोटे कलाकार ले लेकर के एक नॉर्मल पटकथा वाले से जो है वो लिखवा दीजिए गाना जनता के लिए, जनता खुश हो जाएगी, कम से कम उसको भी मनोरंजन का साधन मिल जाएगा। जो महंगाई आज की डेट में है उससे आपको ये लगता नहीं है नितिन जी के देश की अर्थव्यवस्था इनसे नहीं संभल रही है? ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश बचाओ आंदोलन के नाम पर जो ये गाजर बांट रहे हैं परदेश और देश में, आखिर ये गाजर कब तक रहेगा?
आपका ऑडियो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है मिसर भाई, मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए बोलिए शाही साहब बोलिए। मिसम भाई जवाब ले लीजिए, मिसम भाई जवाब ले लीजिए, तब तक आपका ऑडियो सही हो जाएगा। हाँ मिसम भाई, सर शाही साहब, मिसम भाई ने अभी कई बातें एक साथ उठाया। महंगाई एकदम चाहिए, कम होना चाहिए, मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन अगर आप अपेक्षा करें कि 15 साल पहले जो है आलू अगर 2 रुपए किलो बिक रहा था, तो आज आप किसान हित की बात करते हैं तो किसानों को 2 रुपए किलो आलू बेचने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, ये आपके किसान हित की बात है? किसान भी 20 रुपए किलो बेच सकता है, 15 रुपए किलो वो बेचेगा, जब वो बेचेगा तो जनता को महंगा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब किस किसान के हित का दमन की बात कर रहे हैं कि भाई 20 साल पहले भी बेच रहा 2 रुपया आज भी बेचे। अर्थव्यवस्था की बात की मिसम भाई ने, मैं उसमें आना चाहता हूं। 1991 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, विदेशी रिजर्व खत्म हो गया था नितिन जी, और इस देश का सोना इंग्लैंड में इन लोगों ने बेचा था, और आज हमारा भारत का जो विदेशी रिजर्व है, जिसको रघुराम राजन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि भारत ने लगभग 600 मिलियन डॉलर के बराबर लगभग विदेशी रिजर्व रखा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। दूसरी चीज, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, ये पहले नहीं थी किसी सरकार में, ये इसी सरकार में मोदी सरकार में बनी है, और इतना विश्व में युद्ध चल रहा है, कोरोना आने के बाद सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मिसम भाई आप कहां बात कर रहे हैं, हम आंकड़े पेश करते हैं तो आप कहते हैं आंकड़े नहीं, हम यही आंकड़ा पेश कर रहे थे, तो अधीर रंजन चौधरी जी उसमें बयान दे रहे थे कि क्यों नहीं सोनिया गांधी को गिरफ्तार करते हैं, राहुल गांधी को गिरफ्तार करते हैं, दम है तो गिरफ्तार करें, उनके पर चार्ज फ्रेम करें, हम आंकड़ा दे रहे थे कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, और आज जब गिरफ्तारी की तरफ बढ़ रहे हैं लोग तो भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है, बंगलोर से ले वहां बंगलोर में कार जला रहे हैं और बिहार में ट्रेन रोक रहे हैं, आंकड़े पर भी दिक्कत है, ठीक शाही साहब, और एक्शन पर भी दिक्कत है। ठीक 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 जी, मिसम भाई जवाब मिल गया आपको? नहीं जी जवाब तो मिला मगर मैं सहमत नहीं हूँ। बात यहाँ पर यह है कि देखिए आप विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो आप फिर भाई नरसिम्हा राव और राजीव गांधी और नेहरू और इंदिरा गांधी को दोहरा रहे हैं, तो सवाल ये कि हम आपकी लड़ाई से आम जनता से क्या मतलब है भाई? आप जनता को गरीबी की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, महंगाई चिकित्सा की बात कर रही है, आप शिक्षा की बात कर रही है, तो आप ये पुरानी बातों को निकाल के आप क्या बताना चाह रहे हैं कि यानी कि आप उनसे कम है, वो ज्यादा थे, वो देश को बेच गए, आप बेच नहीं रहे तो लुटवा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है, लुटवा रहे तो भी गलत है, बेच गए वो भी गलत है। यहाँ पर जनता ने जो आपको चुन करके लाया, जनता को चाहिए है कि सिलेंडर कम हो जाए, जनता को चाहिए है कि जो रोटी है उसकी वो उसको सही से मिल जाए, जो उसकी दवाई है वो तक पहुंच जाए। इसके अलावा जनता आपसे ना तो आपकी महंगी गाड़ियों का सवाल करती है, ना आपके विदेश से फल लेकर क्या उसकी बात करती है, ना जनता को आपने हवाई जहाज पर हवाई चप्पल पहन करके बैठाया ना उसकी बात करती है, ना स्मार्ट सिटी की बात करती है, ना बुलेट ट्रेन की बात करती है, जनता आपसे रोटी मांग रही है। ठीक है, ठीक है, आपसे रोटी मांगती है तो आप फिर वो नरसिम्हा राव कहाँ? शाही साहब मिसम ने कह रहे हैं कि हमें तो रोटी दाल से मतलब है। नहीं, मिसम भाई की बात से मैं सहमत हूँ, इनको रोटी दाल से मतलब है, लेकिन मिसम भाई जब सरकारें चल रही हैं तो ये तो तुलनात्मक अध्ययन एक होगा ही होगा और होना चाहिए, क्योंकि हम विपक्षी दल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो हम उनको आईना दिखाने का भी काम करेंगे कि भाई आपने भी किया ये काम किया और आज उससे बेहतर जब सरकार चल रही है तो आप आईना दिखा रहे हैं, हमको आईना दिखाने का हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो ये एक बार वो जरूर कहीं ना कहीं कोई बात होगी। अगर हम अपने घर की बात करें, मिसम भाई आप अपने घर की बात करें, नितिन जी आप अपने घर की बात करें, तो ये होगा कि भाई दादाजी ने तो एक खपरेल बनवाया था, आज नितिन जी ने जो है पक्का मकान बनवा दिया गांव में, तो ये तो तुलना होगी ही होगी ना, तो ये तुलना हो। और 200 रुपए किलो दाल, अरहर की दाल 200 रुपए किलो, तुअर की जिसको कहते हैं, सब लोगों ने खाया है, सबको याद होगा, मुझे भी याद है, एक बार अटल जी की सरकार में प्याज हो गया था 200 रुपए किलो, सरकार गिर गई थी, तो उस समय क्या भी वो भी याद है, हर आदमी याद करके ये लोग कहते हैं,
लेकिन आज के दिन में जब मैं हमारे हिसाब अब बताइए आप, मैं आपको एक मिनट समय और लूंगा। अश्वनी जी क्या आप ये सरकार गिनाने पे ही मानेंगे क्या? अश्वनी जी ये सरकार एक आदमी क्या कोई नीतीश जी मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या क्या चाहते हैं शाहिद जी की सरकार इनकी गिर जाए तभी गिनानेंगे? वो आप किसी के बस का नहीं है, बहुत दूर की कौड़ी है, अभी 50 साल सोचिए मत आप लोग, बचे रहिए घरों में इसी तरीके से कमाई बजाते रहिए। ये मोदी जी की सरकार है, जनता ने भर भर के आशीर्वाद दिया है, आप लोगों ने चुनाव के पहले भी बहुत डबली बजाया, कांग्रेस को बाहर कर दिया, आम आदमी पार्टी को समझ में नहीं आया, समाजवादी पार्टी 111 पर सिमट गई, काम खत्म हो गया सबका। ये भारतीय जनता पार्टी है और आज अभी एक सर्वे आया था कि आज चुनाव होता है तो 362 सीट से ऊपर भाजपा पाएगी देश में, कहाँ है आप लोग? सुन लिया मिशन से दिया बात आप सही, ये जो बात सही जी कह रहे हैं हाँ। मानने के लिए कहीं से तैयार नहीं हो, मुझे लगता है ये मानेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने भी एक बात कही थी कि महंगाई जब बढ़ती है जब सरकार गिर जाती है, जब हमारी सरकार गिर जाएगी तब मानने का महंगाई बढ़ गई, तो नीतीश जी आपको फिर उसका इंतजार आपको हमें करना पड़ेगा जब जनता जवाब देने के लिए तैयार हो, क्योंकि इन्होंने तो एक तरह से शाहिद जी ने ये मन मना लिया है कि अभी हमारी सरकार है महंगाई नहीं है, और बाकी सही कह रही है देखिए। अभी आलू के दाम की बात की और तमाम किसानों की मजबूती की बात कर रहे थे हमारे मित्र बड़े भाई हमारे शाही साहब, आप देख रहे हैं डीजल के दाम कहाँ पहुंच गए, सातवें आसमान पे हैं, जो सिंचाई के लिए पंपिंग सेट का इस्तेमाल होता है जिनका इस्तेमाल होता है उसके दाम बढ़ा दिए हैं। एक एक करके बोलिए प्लीज। हाँ मिसम भाई, क्या मिसम भाई मैं आऊंगा आपके पास, इमरान भाई पूरा कर ले, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ इमरान भाई, इमरान भाई पूरा कीजिए, क्या कह रहे हैं? डीजल के दाम सातवें आसमान पर, हाँ जो सिंचाई के लिए उपकरण इस्तेमाल होते हैं, इंजन इस्तेमाल होते हैं, उसके भी दाम बढ़ा दिए, हाँ। खाद के दाम बढ़ा दिए, हाँ। खाद में पहले 50 किलो की बोरी होती थी, उसको 45 किलो कर दिया, उसके दाम भी बढ़ा दिए, हाँ। तो कुल मिलाकर जो लागत आनी है फसल पर वो तो बढ़ा दिया पहले से ही, हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हाँ। क्या आज भी जो किसान की फसल का दाम होता है जिस तरीके से मार्केट में जिस जो दाम होता है, हाँ। क्या उगाने वाले किसान को भी वही दाम मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है, हाँ। किसानों से औने पौने दाम में खरीदा जाता है, इनकी मंडियों की क्या हालत है अच्छे से इनको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, हाँ। तो किसानों का तो कल भी शोषण हो रहा था, आज भी शोषण हो रहा है, हाँ। और आपने ऊपर से उनकी लागत फसलों की और बढ़ा दी है, हाँ। उनके उत्पाद की लागत आपने और बढ़ा दी है, हाँ। तो उनको दो तीन मार झेलनी पड़ रही है, हाँ। एक तरफ वो जो रोजमर्रा के लिए जो खाने पीने की और जरूरत की चीजें खरीद रहे वो भी खरीद रहे, हाँ। जो वो उगाने के लिए जितने सामान को इस्तेमाल करते हैं वो, हाँ। लागत उसे भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, हाँ। और उसके बाद उनको मिलना कुछ नहीं, औने पौने दाम में ही फसलों को बेचना है, ये भी एक सच्चाई है, हाँ। तो कुल मिलाकर किसानों के साथ जो हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी एक ढोंग है, ठीक ढोंग से इतर कुछ भी नहीं। ठीक मिसम भाई पूरा कीजिए फिर शाही साहब से जवाब लूं। हाँ देखिए इमरान जी भी वही बात करना चाह रहे हैं जो शाही साहब ने साफ कर रखा है कि जब तक हमारी सरकार नहीं गिरेगी महंगाई नहीं बढ़ेगी। आप एक ही चीज को पकड़ के बैठे, कौन गिराएगा? नहीं नहीं मतलब ये जो अभी इमरान जी भी यही बात कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आप उसे जीत नहीं पाएंगे। देखिए ऐसा ये मजे का कलाकार है, ये प्रवक्ता है बीजेपी के, वो बीजेपी के अंदर बहुत मजे हुए, हम लोग ऐसे लोग जो एकदम चार दिन के नौसिखिया लोग हैं, हम इनसे नहीं जीत सकते, इनसे जनता ही जीतेगी, क्योंकि शाही जी हमारे बड़े भाई हैं और काफी खूबसूरती से अपनी पार्टी का पक्ष करते हैं, या यूं कहिए कि ये पार्टी का पेवन करते हैं, तो ये पेवन करते रहेंगे और जनता इस तरह से भुखमरी का शिकार रहेगी। हमारे और आपके पक्ष की बात नहीं है कि हम शाही जी को इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं जनता के मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, इनको इनकी बात पर अलावंद कर सके, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि महंगाई की जो ये बात कर रही है इसमें कोई ना कोई एक नया शगुफा तैयार होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो कहीं ना कहीं किसी और तरफ घुमाया जाएगा और जनता फिर इन कुछ दिनों के बाद जो है वो फिर भूल जाएगी सब कुछ और फिर इनके साथ जो है वो इनका राग गाने लग जाएगी। हालात प्रदेश के और देश के बहुत खराब, ठीक है ठीक जनता पार्टी के, ठीक है मिसम भाई, ठीक है। प्रदीप जी कुछ पूछना है आपको शाही साहब? जी शाही साहब जैसे अभी हमारे भाई
इमरान लतीफ जी भी पूछ रहे थे, वही चीज मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि किसानों की आमदनी बढ़ गई, किसान 2 रुपए का आलू बेचता था आज वो 15 रुपए का बेच रहा है, क्या आप यथार्थ में इसको सत्य मानते हैं कि किसान को 15 रुपए मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं किसान को 15 रुपए? क्योंकि लागत आपने इतनी ज्यादा लगा दी उस पर, DAP की जो बोरी है उस पर आपने प्राइस 140% से ज्यादा हाइक किया, बढ़ाने का काम किया है, वेट कम करके 140% आपने उसके दाम बढ़ा दिए DAP की बोरी के, आपने जो संसाधन है खेती के सिंचाई के उनके दाम बढ़ाए, तो रेट जब बढ़ जाएगा तो कौन से किसान की आमदनी बढ़ जाएगी? आप जो प्लान लाते हैं, जो आप रोजगार, जो आप किसानों के लिए प्लान लेकर के आते हैं, वो ऐसे प्लान्स होते हैं जिससे किसानों की तो आमदनी नहीं बढ़ेगी, मगर उनके पीछे आपने वो जो व्यापारी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए आप प्लान बनाते हैं, सेटअप बनाते हैं। आप जो कानून लेकर के आए थे, अगर ऐसा नहीं होता तो उन काले कानूनों का विरोध किसान सड़क पर उतर के नहीं कर रहा होता, अगर किसान के फायदे के लिए आपने कुछ किया होता। आपने क्या किया, यहाँ पे कानून पास नहीं होता हो पाता है, और उससे पहले आप देखेंगे पूरे देश में अडानी के स्टील के बड़े बड़े गोदाम बन जाते हैं, गोडाउन क्या है, आपको स्टेट का सारा सिस्टम खत्म करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का काम करते हैं। 70 साल की जब आप बात करते हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया, कांग्रेस ने इस देश में बड़े बड़े संस्थान बनाने का काम किया है, और ये हमेशा याद रहेगा कि 2014 से अभी 2022 तक का ही खाली कार्यकाल देख लेंगे तो सिर्फ इस देश में एक प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे जो मोदी जी हैं उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संस्थान सरकारी जो बेचने का काम किया गया है। हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ने के पीछे जब आप प्राइवेटेशन करते हैं और वो प्राइवेटेशन क्या करते हैं, उसका वाइड एरिया नहीं होता, सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए आप जब वो चीज़ें काम करते हैं तो वो जाहिर सी बात है जब गिने चुने लोगों के पास में पैसा जाएगा, मार्केट से आप सारा पैसा निकाल करके 3-4 लोगों की जेबों में भरने का काम करेंगे तो महंगाई तो बढ़ना लाजमी है। अगर आप इस चीज पे आश्वस्त होना चाहते हैं कि जब आपकी सरकार गिरेगी, जैसे अभी आपने भी कहा और हमारे मिशन भाई ने भी बोला, तो इस देश की जनता निश्चित ही 2024 में आपको सत्ता से बेदखल करके इस महंगाई पर लगाम लगाने का काम करेगी, उसी से आपको समझ में आएगा कि देश में महंगाई बढ़ रही है। शाही साहब जवाब दीजिए फिर खत्म। जी जी, देखिए नितिन भाई, अभी इन लोगों ने कहा तो पहले तो मैं बता दूं कि ये दिवा स्वप्न देखना छोड़ दें, अभी 2 चुनाव हुए, ये खुद एक नहीं हो पाए, लो भाजपा का मुकाबला कौन करेगा, कौन है लीड करने वाला, वो इन लोगों को नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, केजरीवाल जी भी अपने आप को मानते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो जिस मुद्दे पर आपकी बहस है ये इतर नहीं जाऊंगा। देखिए सरकार एक जो एक अभी हमने मिशन भाई ने कहा कि क्यों कह रहे हैं पिछला, इसमें एक बात है, आज क्या हो रहा है, हल्ला होता है, डॉलर गिर रहा है, 80 रुपया पहुंच गया, वैश्विक महामारी आई, उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, ये सब के चलते डॉलर गिरा, मैं मानता हूं डॉलर जो है पहुंचा, लेकिन मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूं, यही हमारे अर्थशास्त्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, 91 में वित्त मंत्री हुआ करते थे, 17 रुपए डॉलर था नितिन जी 91 में, 93 में इन लोगों ने क्या किया कि फ्लेक्सिबल पॉलिसी लागू कर दिया उसमें, कि बाजार के हवाले कर दिया, इन्हीं लोगों ने किया, हम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। 97 आते आते 36 रुपए हो गया, और 2014 में जब दे के गए तो 64 रुपए दे के गए हमको, तो ये गैप 97 से और 14 मतलब यानी कि 14 और 3 17 साल आप में सारे जवाब इतिहास को घुमा फिरा के या इतिहास के ऊपर रख कर दे रहे हैं। आज जो है, नहीं मैं कह रहा हूं जब से हमारी सरकार आई है हम 64 से 64 रुपए जो देकर गए ये लोग उससे आज 80 रुपया है, 14 रुपए खाली पड़ा है, उसमें भी वैश्विक युद्ध चल रहा है, इस समय महामारी चल रहा है कोरोना का, उसमें हम 14 रुपए बढ़ाए हैं, तो ये हाय तौबा मचाए हैं। ठीक ठीक, इमरान क्या कहना, जल्दी से पूरा कीजिए फिर खत्म करो। देखिए अगर कांग्रेस ना होती तो शायद अश्विनी जी एक बात ना रख पाते, हमेशा ये कांग्रेस की शरण में चले जाते हैं, जब भी जहां पहुंचते हैं तो कांग्रेस का सहारा ले लेते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, इनको बड़ा अहंकार है कि इनको कौन हराएगा, हम बता रहे हैं, आज बेचैनी जो आपकी दिख रही है, आज गुजरात में पता चल रहा है कि कौन हराने आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में पता चल रहा है, हरियाणा में पता चल रहा है, आप परेशान ना होइए, जिस तरीके से आपको पंजाब में और दिल्ली में एक चुनौती मिल रही है, आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी एक सशक्त विपक्ष के रूप में आपके सामने खड़ी है, आपको चुनौती देने का काम कर रही है, और आपकी ये जो बेचैनी है, बौखलाहट है, स्पष्ट बता रही है कि आपको हराएगा कौन, और अगर यही शौक है
आप तभी मानेंगे कि महंगाई नहीं है जब आप हार जाएंगे, तो हम गुजरात में आपको हराने के लिए पहुंच गए, आप परेशान न होइए, छह महीने का इंतजार भेजेंगे और आप मानेंगे कि महंगाई है। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो जनता का मुद्दा था महंगाई और महंगाई को लेकर की आज की ये डिबेट थी। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से महंगाई को लेकर के हुल्ला मचा हुआ है, दरअसल महंगाई देश में है ही नहीं और बीजेपी शासित प्रदेशों में महंगाई को काफ़ी हद तक काबू किया गया है, लेकिन महंगाई के मुद्दे को लेकर के सरकार और आने वाले 24 के चुनाव पर बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा ये भी देखना अहम होगा। क्या इस बार का ये चुनाव महंगाई की भेंट चढ़ेगा या फिर एक बार फिर से कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में महंगाई को दबा दिया जाएगा। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम।